हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप क्लास 10th पास करने के बाद आर्ट्स लेते हैं तो आपको क्लास 11th और 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्लास 11th और 12th की आर्ट्स में 5 सब्जेक्ट होते हैं। इनमें से एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है और बाकी 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं। जो 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं उनमें से एक सब्जेक्ट को ऑप्शनल बोला जाता है। ऑप्शनल कहने का मतलब यह है कि ये आप कई सारी दी हुई लिस्ट में से एक सब्जेक्ट अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, यानी कि उसमें आपको चॉइस नहीं होती, वो आपको पढ़ने ही होते हैं। तो टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं जिनमें से 3 कंपलसरी होते हैं, एक ऑप्शनल और एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता है। ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग बोर्ड में और अलग अलग राज्य के जो बोर्ड हैं उनमें अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस होता है। जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको इंग्लिश या हिंदी में से एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। इसके अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं इकोनॉमिक्स, डांस, म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, मल्टीमीडिया, फैशन डिज़ाइनिंग, लीगल स्टडीज़, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फिज़िकल एजुकेशन या फिलॉसफी। इनमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो टोटल आपके पास 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं, 3 कंपलसरी, एक ऑप्शनल और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये थी क्लास 11th और 12th में आर्ट्स सब्जेक्ट्स की जानकारी। थैंक यू।